ये खेती का नया दौर है। देखिए मचान पर लटकते बड़े बड़े परवल के फलों को। जब आप थोड़ा नीचे की ओर झुकते हैं तो इसी मचान के नीचे दिखेगी फ्रेंच बीन की हरी भरी फसल। ये नजारा है बिहार के अररिया जिले का। खुरपी से घास निकालते हुए ये साधारण सा शख्स दिख रहा है आपको। ये साधारण किसान नहीं बल्कि ये वो शख्स है जिसने अररिया जिले के किसानों की सोच और खेती के तरीकों को बदलकर जिंदगी जीने की नई राह दिखाई है। नाम है मोहम्मद तफाजुल शेख। तफाजुल यहाँ नए नए तरह के खेती करते हैं, जैसे खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, शिमला मिर्च हुआ, गाजर हुआ, नए नए आइटम के साथ, और वो बहुत अच्छे करते हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके पीछे पीछे हम लोग भी करते हैं, वो आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं। अररिया जिले के छोटे से गांव संदलपुर के रहने वाले प्रगतिशील किसान तफाजुल की जिंदगी की दिलचस्प कहानी है। कभी ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने वाले तफाजुल ने सब्जी की खेती में कदम साल 2001 के करीब रखा था। एक बार सब्जी की खेती से मिले लाभ को देखने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नित नए प्रयोग करते गए, सफलता उनके कदम चूमती गई, और इसी क्रम में उन्होंने एक नया प्रयोग किया जिसमें खेतों में दो सतहों यानी जमीन पर एक फसल और मचान पर दूसरी फसल की खेती कर रहे हैं, और इस तरह एक फसल की लागत से ही दो फसलों का मुनाफा काट रहे हैं। जितना उत्पादन लेते हैं हम बाहर में ऐसे लगा के सीजन में, उससे कमोबेश लगभग उतना ही उत्पादन हमको मचान का नीचे से भी इसका मिल जाता है, तो एक साथ डबल खेती मेरा हो जाता है। अगर बीन्स लगाए हम खाली तो खाली बीन्स ही होगा, परवल लगाए तो खाली परवल ही होगा, इसलिए ऊपर बीन्स है नीचे परवल है एक ही जमीन में, यानी एक एकड़ अगर इस तरह से करते हैं तो हमको 2 एकड़ का उत्पादन मिलता है। देखिए दोनों मिला के हम फ्रेंच बीन्स जो करते हैं या फिर परवल करते हैं, तो इसमें से एक चीज़ का, जैसे फ्रेंच बीन्स का जो नीचे करते हैं जमीन में जो फ्रेंच बीन्स है, ऊपर जो अलान देख रहे हैं, तो जो भी सारा खर्च करते हैं, जितना जो भी दवाई खाद फर्टिलाइजर जो भी लगता है इसमें, लेबर कॉस्ट या तोड़ाई का या फिर मंडी तक ले जाने का भाड़ा उड़ा, सारा मेरा फ्रेंच बीन्स से आ जाता है। और परवल जो बेचते हैं हम शुद्ध एकदम, उसमें कोई खर्च नहीं, वो एक फसल मेरा अमानत बच जाता है। आप समझिए दो स्तरीय कमाई का गणित। परवल की फसल की रुपाई से लेकर उपज की हार्वेस्टिंग तक में करीब 8 से 9 महीने का समय लगता है, और परवल की 1 एकड़ की फसल से उन्हें 3 से 4 लाख की आमदनी होती है। वहीं नीचे लगी फ्रेंच बीन की फसल से 1.5 से 2 लाख की आमदनी हो जाती है, जबकि 1 एकड़ में इस तकनीक से खेती करने पर 80,000 से लेकर 1 लाख का कुल खर्च आता है। ऐसे में उन्हें 1 एकड़ खेत से 8 से 9 महीने के भीतर ही 3.5 से 5 लाख रुपए के करीब कमाई हो जाती है। खर्च इसमें एकड़ में लगभग शुरू से अंत तक पिलर उलर का लगा लें, तो पिलर का खर्च तो एक बार करते हैं तो फिर 10 साल 20 साल तक पिलर चला जाता है, लेकिन अगर सारा खर्च जोड़े तो एकड़ में दवाई से, फर्टिलाइजर से, कंपोस्ट से और लेबर कॉस्ट सारा जोड़ के एकड़ में मोटा मोटी वही 1 लाख रुपया एकड़ में, 80,000 1 लाख रुपया खर्च पड़ता है। आमदनी 3 से 4 लाख रुपया मचान पर। शुद्ध आय वही हो गया मान लिया 2.5 से 3 लाख रुपया शुद्ध आय होता है। फ्रेंच बीस उसका अलग है, एकड़ में 1.5 से 2 लाख रुपया उससे भी आता है। ये तो रही कमाई की बात, अब जरा तकनीक पर गौर कीजिए। तफाजुल खेतों में परवल को मचान विधि से लगाते हैं, यानी परवल की फसल को बांस और रस्सी के सहारे जमीन से ऊपर तैयार किया जाता है। इसके बाद दो बांसों के बीच जो जगह बच जाती है उसी में फ्रेंच बीन की खेती की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल उन्होंने ऐसे ही तुक्के से तैयार कर लिया हो, इसके पीछे उनकी सूझबूझ को आप ऐसे समझिए कि फ्रेंच बीन को उगाने के लिए नम भूमि की जरूरत होती है और परवल के मचान के नीचे उसे बेहतर उपज के लिए माकूल वातावरण मिल जाता है। सितंबर अक्टूबर में बीन्स लगाया जाता है, उस समय इसका मेन सीजन होता है, ठंडा का समय में फलने का सीजन होता है इसका, और उस समय रेट इसका कम रहता है।
और अभी का समय में इतना हाई टेम्परेचर में बीन्स का उत्पादन उपज नहीं हो सकेगा, खेती नहीं हो पाएगा, इसलिए परवल का इसको चाहिए अभी मिनिमम लो टेम्परेचर, और यहाँ अभी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ऊपर जैसे परवल का मचान है, अलान है, और नीचे बीन्स लगा दिए हैं, उसको टेम्परेचर मिल रहा है लेकिन बहुत कम, लो टेम्परेचर मिल रहा है, ठंडा जैसा ही ऐसा इसको अभी हो रहा है, और इसका उत्पादन अभी गर्मी में भी हम इस तरह से ले लेते हैं। लाखों की खेती तो जतन भी लाखों का होगा, तफजुल खेतों से बेहतर उपज के लिए वो सारे इंतजाम करते हैं जिससे कि उन्हें उत्पादन और क्वालिटी पर किसी तरह का बुरा असर ना पड़े, जिसमें खाद पानी से लेकर कीट रोगों तक का समय से प्रबंधन किया जाता है। कीड़ा मकोड़ा इसमें उतना खास लगता नहीं है, कभी कभी माइट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, और व्हाइट फ्लाई का, तो उसके लिए बायो दवाई जो आता है, बायो पेस्टिसाइड वो छीट देते हैं, उससे ख़त्म हो जाता है। कभी इल्ली भी होता है इसमें, हरा पिल्लू टूसा चबाने के लिए होता है, उसके लिए भी बायो ऑर्गेनिक आता है, पेस्टिसाइड वो छीट देते हैं, तो उसमें 15 दिन 20 दिन महीना दिन तक कंट्रोल हो जाता है वो। तफजुल शेख की खेती को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, खेती से अच्छा लाभ लेने के लिए बस जरूरत है कि आप खेती को सूझबूझ और तकनीक के साथ अपनाएं, जिससे कि कम जगह और कम लागत में आपको कई फसलों का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।